हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं हम बिस्किट केक। बिस्किट केक बनाने के लिए चाहिए बिस्किट। आप किसी भी तरीके के बिस्किट ले सकते हैं, चाहे ओरियो बिस्किट हो, मैरीगोल्ड बिस्किट हो, जो भी बिस्किट आपको पसंद हो आप उसी तरीके के बिस्किट ले सकते हैं। दूध चाहिए, चीनी पिसी हुई, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस। अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसमें चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। मक्खन और चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। आज आपको एक कढ़ाई में केक बना करके दिखाएंगे और एक ओवन में। तो दोनों तरह के केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मक्खन लगा करके अच्छे से ग्रीस कर देंगे टिन को। कभी भी आप केक बनाएं तो सबसे पहले टिन को ग्रीस करके रखें, जिससे कि बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक रखा ना रहना पड़े, क्योंकि उसमें जब बेकिंग पाउडर वगैरह डल जाता है तो वो फूलने लगता है और आपका अगर ज़्यादा टाइम रखा रहेगा केक तो ख़राब होने का डर रहता है। मैं ये बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर की सहायता से केक बहुत आसानी से टिन में से बाहर आ जाता है। बटर पेपर लगाने के बाद फिर उसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे टिन को भी ग्रीस कर लेंगे। अब सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए गैस को ऑन कर देंगे मीडियम स्लो हीट पर। ये मैंने कुकर की जो जाली होती है उसको रखा है, उसके ऊपर हम ये फॉइल पेपर को रखेंगे। फॉइल पेपर को रखने से जो हीट है वो मेंटेन रहेगी आपके पूरे कढ़ाई में। जाली के ऊपर फॉइल पेपर को लगा देंगे और उसके बाद कढ़ाई को ढक देंगे। कढ़ाई को पूरी अच्छी तरीके से ढक देंगे इस तरीके से, और अब प्रीहीट होने देंगे कढ़ाई को। इसी तरीके से ओवन को भी प्रीहीट करने के लिए ऑन कर देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर। केक तैयार करने के लिए सबसे पहले बिस्किटों का चूरा बनाएंगे, एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। सभी बिस्किटों का पाउडर बना लिया है। चीनी मिलाएंगे, ये करीब 4 टेबल स्पून चीनी है। चीनी को मिक्स कर देंगे। 5 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट लिए थे, जो नॉर्मल बिस्किट के पैकेट आते हैं वो, और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे है बटर, और मिक्स कर देंगे। वेनिला एसेंस डाल देंगे 1/2 टी स्पून। अब इसमें दूध मिक्स करते जाएंगे, ये 1/2 कप का कप लिया है मैंने। ये 1 कप दूध डाला है पहले मैंने। दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ कप दूध और डाला है और मिक्स कर देंगे। जैसे कि केक का बैटर होता है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक, उसी तरीके से बैटर को तैयार करेंगे। ये भी थोड़ा सा थिक है बैटर, इसमें करीब 1/4 कप दूध और डल जाएगा। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल मिक्स हो गया है बैटर अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे चोको चिप्स और 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे बेकिंग पाउडर को। केक का बैटर बन करके तैयार हो गया है। अब केक के बैटर को टिन में डाल देंगे। 1/2 बैटर दोनों टिन में डाल देंगे। टैप कर देंगे केक के टिन को, जिससे कि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। अब केक को बनने के लिए रखेंगे। कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है, कढ़ाई में टिन को रख देंगे और फिर से कढ़ाई को ढक देंगे। 20 मिनट के बाद इसको फिर से चेक करेंगे कि केक सिक गया है या नहीं, और 20 मिनट तक लगातार इसको सिकने देंगे। गैस को मीडियम स्लो हीट पर ही रखेंगे और अब दूसरे केक को प्रीहीटेड ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं करीब केक को पकते हुए। वाओ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक सिका है। अभी हल्का सा कच्चा है, हल्का सा छुरी में लग करके आ रहा है, तो करीब 5 मिनट और केक को पकने देंगे।
एकदम क्लियर आ रही है छुरी। अब केक बन करके तैयार है। केक को सिकने में करीब 32 मिनट लगे हैं। केक को बाहर निकाल लेंगे। ओवन में से भी केक सिक करके तैयार है। ओवन में करीब 22 मिनट लगे हैं केक को सिकने में। दोनों केक सिक करके तैयार हैं। दोनों ही बहुत अच्छे सिके हैं केक। आप चाहें तो ओवन में बनाएं केक को, या कढ़ाई में बनाएं, या कुकर में बनाएं, सभी में केक अच्छे बनते हैं। बस थोड़ा सा टाइम का फ़र्क पड़ता है। केक को करीब 10 से 15 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही मोल्ड में से केक को निकालेंगे। केक थोड़ा ठंडा हो गया है, केक को मोल्ड में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से केक निकल आया है, एकदम चिपका भी नहीं है केक। ये एक हमने जो बटर पेपर लगाया था उसकी सहायता से भी बहुत आसानी से केक बाहर निकल आता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक सिका है और एकदम स्पॉन्जी केक है। केक को हमेशा ठंडा होने के बाद ही काटें। दोनों ही केक बहुत आसानी से निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पॉन्ज आया है और एकदम सॉफ्ट केक बना है। आप इस तरीके से दबा करके भी देख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही सर्व करें केक को, इस तरीके से चॉकलेट सॉस डाल करके केक को सर्व करें। इस तरीके की कैंडी आती हैं तो आप कैंडी को केक पर लगा सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं केक को। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और इसी तरीके से नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।